हेलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, आज मैं लेके आया हूँ पावर सॉ टॉपिक। ये हमारा कटिंग टूल्स जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर 5 का ये लास्ट टॉपिक है पावर सॉ। इसके बाद मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा इस कटिंग टूल्स चैप्टर का। तो चलिए आज पावर सॉ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पावर सॉ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चालित आरी, मतलब विद्युत से चलने वाला आरी। ठीक है, अब देखिए कि पावर सॉ का यूज अगर देखिएगा तो वहां पे होता है जहां पे हम हैंड हेक्सा नहीं चला सकते हैं। हैंड हेक्सा कौन चलाता है? स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, टेक्नीशियन जो होते हैं, वही चलाते हैं। अगर थोड़ा सा अनस्किल्ड रहेगा तो वो हैंड हेक्सा भी नहीं चला सकता है। और पावर सॉ मशीन में क्या है ना, थोड़ा सा हल्का अनस्किल्ड वर्कर भी कटिंग कर सकता है, क्योंकि वो तो हाथ से ऑपरेट हो नहीं रहा है। पावर सॉ मशीन आपको, ये एक मशीन है, इसमें आपको जॉब रखना है सही जगह पे। अगर जॉब आप भाई इसमें टाइट कर दिए तो आपका कट जाएगा। तो इसमें एक्चुअली मेन होता क्या है ना कि बड़ा बड़ा जो भी आपका मेटल सरफेस है, या मेटल है, या गोल रॉड है, या पोल है, तो उसमें अगर आरी चलाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। समय का भी बर्बादी है और आपका सही ढंग से वो कटेगा भी। तो सही ढंग से और कम समय में अगर काटना है कोई भी बड़ा मेटल को, धातु को, तो कहाँ आपको क्या करना होगा? पावर सॉ से काटना होगा। ठीक है, तो पावर सॉ यही है। आप इसका अगर हम पावर सॉ मशीन में हम क्या बताएं आपको कि ये कटिंग टूल से पहला बात काट रहा है, ये भी काटता है, तो क्या हो जाएगा? यह एक कटिंग टूल है, कटिंग टूल मशीन है। ठीक है, दूसरा क्या बात बोले कि ये वहां पर यूज होगा जहां पर हम हैंड आरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हैंड आरी से जो वस्तु ना कटे उसको अगर काटना हो, हैंड हेक्सा से अगर ना कटे तो उसको अगर काटना हो तो हम क्या करेंगे? पावर सॉ मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल लिख सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल हम उस धातु को काटने में करेंगे जो हैंड हेक्सा से ना कटे या ज्यादा समय ले, या ज्यादा समय। ये दो कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर नहीं कट रहा है या ज्यादा समय लग रहा है तो हम क्या करेंगे? पावर सॉ मशीन से काटेंगे। ठीक है, उस धातु को। तो पावर सॉ मशीन का जो है टाइप्स ऑफ जान लीजिए कि क्या होता है। पावर सॉ मशीन का टाइप्स ऑफ प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पावर सॉ। तो ये निम्नलिखित चार प्रकार में मिलते हैं। ठीक है, अगर पावर सॉ मशीन आप देखिएगा तो चार तरह का पावर सॉ मशीन होता है। ठीक है, एक नंबर में है आपका कंटूर पावर सॉ, ये वाला ऊपर वाला। तो कंटूर पावर सॉ आप
इसका फैसिलिटी क्या है, जानते हैं ये पावर सॉ का फैसिलिटी क्या है? जैसे आप सिलाई मशीन देखे हैं, तो सिलाई मशीन में हम कपड़े में जो है थोड़ा सा सिलाई को टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल जैसे भी करना है हम सिलाई कर सकते हैं कपड़े में, ठीक है। उसी तरह इसका जो ब्लेड होता है कंट्रोल पावर का, इस तरह का गोल रहता है, अंडाकार रहेगा, ठीक है। ये रहेगा, इसमें टीथ कटे रहते हैं पूरा में, पूरा में, और ये चलते रहता है, ठीक है। और ये जो बेड है मेरा, ये बेड है, इस बेड पे हम कुछ भी लाके मेटल का प्लेट को लाके हम इसका जो है मतलब मान के चलिए मेरा ये मेटल है, मेटल सरफेस है, तो हम बेड पे लाके हम इसका मतलब ब्लेड के अंदर घुसा के हम किसी भी तरह का कटिंग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये कुछ भी कटिंग हम कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में अगर कटिंग करना है हमको, तो इसका दरकार पड़ेगा कंटूर पावर सॉ का मशीन का दरकार पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एंगल में हमको कटिंग करना है, ठीक है, तो कंटूर पावर सॉ का दरकार पड़ता है। समझ में आया होगा आपको। इसका एक नाम और है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस पावर सॉ के द्वारा, हम मेटल सरफेस पर किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला बात। दूसरा है कि इस पावर सॉ को कंटूर पावर सॉ को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल पावर सॉ। एक नाम और है, पावर सॉ भी करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न आकृतियों में भी काट सकता है या फिर किसी भी एंगल में काट सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस पावर सॉ के द्वारा हम मेटल सरफेस पर विभिन्न आकृतियों में कटिंग कर सकते हैं, या मतलब किसी भी तरह का जो है एंगल में हम इसको घुमा सकते हैं। इसका सिलाई मशीन हम एक उदाहरण दिए आपको कि सिलाई मशीन जिस तरह से सिलाई हम टेढ़ा मेढ़ा सिलाई कर सकते हैं, उस तरह हम इसमें टेढ़ा मेढ़ा हम कटिंग भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये कंट्रोल पावर सॉ को प्रोफाइल पावर सॉ भी कहते हैं, एक नाम ये भी है इसका, ठीक है। और एक बात इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो जो ब्लेड था हम गोल जैसा हम दिखाए आपको, तो फ्लेक्सिबल रहता है, इसका जो ब्लेड रहता है ये वाला फ्लेक्सिबल रहता है, मोड़ा जा सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके ब्लेड को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो ये तो एक नंबर है कंटूर का। अब दूसरा आ जाइए, तो कंटूर पावर सॉ में याद यही रखना है कि हम किसी भी आकृति में अगर कटिंग करना है हमको, तो हमको क्या दरकार पड़ेगा, कंटूर पावर सॉ या प्रोफाइल पावर सॉ का, ठीक है। अब दूसरा देखिए,
दूसरा है आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सो मशीन। तो रेसिप्रोकेटिंग पावर सो मशीन हर जगह यूज होता है, इसका यूज ज्यादा है। चाहे आप वर्कशॉप में देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह इंजीनियरिंग लाइन में जहां भी वर्कशॉप है, या इंजीनियरिंग कॉलेज का वर्कशॉप हो या फिर प्रोडक्शन वाला वर्कशॉप हो कंपनी का, इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, आप बुक वगैरह का बाइंड जो होता है, बड़ा बड़ा कंपनी जो बुक या कॉपी बनाती है, वहां पर कटिंग के लिए भी इसका यूज करता है आदमी। तो मतलब समझिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें आप बोलिए या कि पहला बात तो यही लिखिए कि इसका इस पावर सॉ का इस्तेमाल इंजीनियरिंग वर्कशॉप तथा प्रोडक्शन वर्कशॉप में ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा बात, इसका जो आरी है, इसका जो मतलब वो ब्लेड जो होता है वो फॉरवर्ड भी काटता है और आपका बैक आने पे भी वो कटिंग करता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसका स्ट्रोक दोनों साइड काम करता है। ठीक है, यानी कि वो फॉरवर्ड में भी, फॉरवर्ड स्ट्रोक भी चलेगा तो भी कटिंग करेगा, और अब बैक स्ट्रोक चलेगा, रिवर्स स्ट्रोक चलेगा तो भी वो कटिंग करेगा। ठीक है, तो इसमें यही एक फायदा है। इसका जो मैकेनिज्म देखिएगा, अच्छा देख, तीसरा नंबर इसमें एक बात और आप लिख सकते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है, ये हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दोनों तरह से चलता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हाइड्रोलिक तथा इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम बताते हैं आपको, जहां पे कॉपी वगैरह का बाइंडिंग होता है, कॉपी जो कटता है, या आप देखिएगा प्रेस वगैरह में जहां पे रसीद बनता है, वहां पे कभी कभी हमको छेद करना पड़ता है बहुत सारा। तो देखिएगा पैर नीचे में उसका जो है हाइड्रोलिक वाला रहता है, ऐसे पैर दाबता है, या फिर ऐसे लीवर वाला भी रहता है, वो लीवर दाबेगा कट जाएगा, या फिर आपका बहुत सारा छेद हो जाएगा, तो वो हाइड्रोलिक वाला हो गया। इलेक्ट्रिक वाला तो आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाला आपको हम ये आप दिखा भी, आपको एक हल्का फुल्का आपको बता दे रहे हैं कि क्या तरीका का होगा। ठीक है, आपका मान के चलिए इसमें बहुत सारा ये बेल्ट, ये आपका कॉलम है, इसमें एक, इसमें दो बटन रहता है, एक ऑन एक ऑफ का। ठीक है, एक जो है इसका
रहेगा ये आपका स्टैंड, ठीक है। इसी पे आप मान के चलिए एक भाई स्टाइल है, इसमें एक वॉइस लगा रहेगा। अब इसमें एक आरा रहता है, ठीक है, एक फ्रेम रहेगा। ये यहाँ पे मान के चलते हैं कि जॉब है, कोई एक जॉब है जो फिट एक जॉब है, इसमें टाइट किया हुआ है। एक ये जो है आपका लीवर होगा, ठीक है। ये सपोर्ट, ये मतलब जॉब को सपोर्ट करने के लिए आर्म कहलाएगा, ये आर्म है। ठीक है, अगर हम ये लीवर को थोड़ा सा हम इधर करते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका ये इसमें सटेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्टेंस में बना दिए, मान के चलते हैं ये जॉब को थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लीवर को हम करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डाउन जाएगा, ये लीवर को थोड़ा सा और उधर कर देंगे, अप कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये सिंपल हम रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ को हम दिखा रहे हैं, ये स्विच स्विच बोर्ड कहलाएगा, स्विच ऑन ऑफ का है। अब इसमें बहुत सारा जो है गियर वगैरह रहता है आपका, ये जो जब ऑन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये इसमें स्लाइड करेगा, ये आरा जो है, ये जो आरी है सॉ है, इसमें इस आर्म में क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, ये इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर, मतलब क्या है ना, ये इसमें आपका कटिंग करेगा। और ये वाला जो है वो कैसे करता है, ये अंदर में दो गो पुली रहेगा, मान के चलते हैं अंदर में क्या है, दो पुली है। अब पुली में क्या है, बेल्ट लगा हुआ है, एक पुली से जो है ये आरा कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो सॉ है कनेक्टेड है, जब पुल्ली जब घूमता है तो क्या होगा, इसमें जो है ये स्लाइड करता है, ये जो ये है आपका स्लाइड करेगा, तो इसका अंदर का मैकेनिज्म यही है, ठीक है। और बाहर में आप सिंपल का ये रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ को हम इस तरह दिखला रहे हैं कि इसमें अंदर में गियर वगैरह है, अंदर में लीवर का गियर होगा, बेल्ट होगा, ये वाला होगा, और ये वाला चीज जो है यहाँ कनेक्टेड है, ऑन करते हैं तो ये काम आपका आरी जो है आपका आगे पीछे मूव करता है, आपको सिर्फ इसको ऑपरेट करना है, आपको कुछ करना नहीं है, ऑपरेट करना है। लीवर को आप थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो आपका जो आ रहा है वो उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लीवर को थोड़ा उसको पीछे ढकेलिएगा तो आरी जो है नीचे आ जाएगा। तो ये अप और डाउन करने वाला लीवर है आपका, तो ये चीज है। और कोई भी
आपका पावर्स ऑफ मशीन में मशीन भाई जिसको बोलते हैं ये वाला, ये क्या है मशीन भाई, ये आपका ये फिक्स जो है, और ये क्या कहलाएगा मूवेबल जो मूव करेगा, अगर आप ये क्या कहलाएगा मशीन वाइज, इसको आप घुमा के आप इसका जो है मूव करवा सकते हैं, उसके बाद इसको हटा सकते हैं आप जॉब को, कोई भी जो कटिंग करना है जो भी आपको धातु काटना है इसमें आप रख के इसको आप टाइट कर दीजिएगा तो ये आपका मूवेबल जो आके इसमें टाइट हो जाएगा। तो कोई भी आपका पावर सब मशीन है उसमें मशीन भाई जरूर लगा हुआ होगा, मोटर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें मोटर होगा आपका, गियर बॉक्स होगा ताकि आप मूव करा सकें आरी को। तो यही है आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सब मशीन, ठीक है। सिंपल मैं आपको दिखाए इसका काम क्या है, बहुत काम है इसी का, ज्यादा काम होता है वर्कशॉप में, वर्कशॉप चाहे वो प्रोडक्शन वाला कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी का वर्कशॉप हो, या पर जहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ सवाल आएगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अगला है तीन नंबर में है क्षैतिज बैंड पावर यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बैंड पावर सॉ, हॉरिजॉन्टल बैंड मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज, अब बैंड मतलब आपका पूरा बैंड रहता है इसका मेन, इसका जो ब्लेड, इसका जो प्लस पॉइंट क्या है ना, इसमें कोई स्ट्रोक नहीं कि फॉरवर्ड काट रहा है या रिवर्स काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक आपका ब्लेड रहता है वो घूमते रहता है और वही कटिंग करते रहता है, ठीक है। लकड़ी वाला जो आप देखिएगा कटिंग जो होता है आपका वुडन सॉ जो कहलाता है, वुड काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, वो इसी तरह रहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसका बैंड देखिए यहाँ बैंड पावर सॉ लिखा है, यानी कि जो उसका ब्लेड होगा बैंड होगा, ठीक है, ब्लेड उसका बैंड होगा और लचकदार होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। तो इसका वर्क जनरली मतलब लकड़ी वाले कारखाने में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि हम अब क्या क्या बताएं कि इस पावर सॉ का ब्लेड फ्लेक्सिबल तथा बेंड होता है, बेंड होता है। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी स्ट्रोक नहीं होता है। इसमें कोई नहीं बोल सकता है कि आगे आगे जाता है तो काटता है या पीछे आता है तो काटता है, ये आगे पीछे वाला इसमें बात ही नहीं है, वो घूमते रहता है उसका ब्लेड और कटिंग होते रहता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल लिख सकते हैं कि इसका उपयोग लकड़ी के कारखाने में अधिक होता है, ठीक है। तो यही दो तीन बात है इसमें, क्षैतिज बैंड पावर्स, बैंड पावर्स ऑफ मशीन, ये वाला तीन नंबर। देखिए यहाँ दिखा भी रहा है कि ये इसमें जो आयरन ब्लेड लगा हुआ है ये गोल रहता है, ठीक है। और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब वो लेटा हुआ, ठीक है, लेटा हुआ मशीन है और उसमें लकड़ी वगैरह आप काट सकते हैं।
मोटा एकदम जो है देखते भी होंगे आप, लकड़ी वाले मील वगैरह में जाते होंगे तो बड़ा बड़ा जो है एकदम गाछ वगैरह को कटिंग करता है एकदम उस पर, ठीक है, उसका जो तना रहता है बड़ा बड़ा मोटा मोटा रहता है उसको काट देता है। ये हॉरिजेंटल बैंड पावर से मशीन हुआ। अगला लास्ट में है क्या, सर्कुलर 4 नंबर में। सर्कुलर पावर सॉ, इसका इस्तेमाल बहुत जगह हो रहा है आज के डेट में। सर्कुलर पावर सॉ का इस्तेमाल आप जान लीजिए, आपको याद दिलाते हैं, टाइल्स काटता है। टाइल्स काटने में भी एक एक जो है उसमें एक ब्लेड रहता है गोल जैसा, ठीक है। आप देखिएगा आज की डेट में जो है जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पर छड़ वगैरह काटना हो तो आप बड़ा जैसा डिस्क वाला जो है आपका वेल्डिंग शॉप में अधिकतर देखिएगा, वेल्डिंग शॉप में बूस कंपनी का बड़ा जैसा एकदम गोल चकती टाइप का आपका इस तरह का रहता है, मान के चलिए। इसमें गोल जैसा और यहाँ पे मान के चलते हैं कोई भी जॉब है या गोल आकृति का ही जॉब है तो वो कटिंग करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्क है इंडलेस डिस्क कहते हैं इसको, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इंड इंडलेस, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो उस तरह का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा भी रहा है, यहाँ पे अगर हम जॉब रख दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, वो डिस्क ही घूमता है बहुत स्पीड में, ठीक है। और वो डिस्क जो है आपका जब वो हैंड हैंड को दाबिएगा, हैंड का उसका ऊपर वाला, तो डिस्क ही आता है जो कि वो मेटल सरफेस पे सटता है और वो कटिंग करता है, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर पावर सॉ मशीन है। तो इसमें हम आप लिख सकते हैं, तो जितना भी तरह का आपको डाइस काट रहा है या फिर मेटल कटिंग कर रहा है जिसमें ब्लेड लगा हुआ है गोल वाला, गोलाकार ब्लेड, कटिंग ब्लेड लगा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर पावर सॉ बोलेंगे, ठीक है। पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर का दम पे वो चलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल आजकल 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 हर हर क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें लगा गोलाकार आकृति का ब्लेड ब्लेड को इंडलेस ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये चौथा हो गया है। अभी तक आप क्या समझ में आया आपको कि हम पावर सॉ क्यों आपको पढ़ाए, क्योंकि पावर सॉ एक टॉपिक था आपका कटिंग टूल्स का, लास्ट लास्ट टॉपिक यही था। अब पावर सॉ से आप ये जाने कि अगर हम हैंड हेक्सा फ्रेम से चून कटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मोटा अगर मेटल, इतना मोटा मेटल मिल जाए उसको हम हेक्सा फ्रेम से काटेंगे तो 10 घंटा 15 घंटा लग जाएगा, वही काम 10 मिनट 15 मिनट में पावर सॉ मशीन कर देता है, ठीक है। तो उसका कैपेसिटी और उसको काटने का जो उसमें जो क्षमता है वो कम है, और पावर सॉ मशीन में कैपेसिटी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, इस वजह से हम पावर सॉ मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पावर सॉ मशीन 4 प्रकार के होते हैं, कंटूर पावर सॉ, रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ, आपका सर्कुलर पावर सॉ,
और एक आपका हॉरिजेंटल पावर्स है। तो कंटूर में क्या है, हम किसी भी एंगल किसी भी आकृति में कटिंग कर सकते हैं कंटूर में, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किसी भी आकृति में कटिंग करना हो तो किस पावर सॉ का इस्तेमाल करेंगे। चार वो आपको पावर सॉ दे देगा, तो आपको याद रखना होगा कि कंटूर में हम वो काम कर सकते हैं। किसी भी आकृति में अगर कटिंग करना हो, कटिंग सरफेस पर जो आपका मेटल सरफेस है, तो हमको कंटूर या प्रोफाइल पावर सॉ कहते हैं। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोफाइल पावर सॉ किसे कहते हैं। तो प्रोफाइल पावर सॉ आपको याद रखना होगा कि कंटूर पावर सॉ की को ही प्रोफाइल पावर सॉ कहते हैं। प्रोफाइल पावर सॉ किसे कहते हैं ये पूछ देगा और चारों नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि कंटूर पावर सॉ को ही प्रोफाइल पावर सॉ कहते हैं, ठीक है। इसमें यही रहा आज के डेट में। अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो मैं इसका एक्सरसाइज लेके आऊंगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।